रात के टाइम पे ना कितना सुंदर नज़ारा लगता है, बहुत सुंदर सा ना, जिससे चांद दिखाई देता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने सोचा कि चलो अभी गुड नाइट करने से पहले मैं आपको ना थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ से देखो कितना सुंदर चांद दिखाई दे रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है ना। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि प्रीति ये वाली दीवार ना आप लोग हटवा दो, है ना। तो इस दीवार का यार पता है क्या है, ओह वाओ, दिस इज लुकिंग सो नाइस, चांद कितना प्यारा। दीवार नहीं सॉरी, ये टीन का, कि ये टीन हटवा दो। एक्चुअली ये टीन है ना जो घर को बहुत अच्छा लुक देती है, और अगर हम ये हटा देंगे ना तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे बैठने के लिए कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम पूरा लेंटर डलवाते हैं तो फिर वो मतलब पूरा ही बंद सा हो जाएगा। तो हम ऐसे हमने टीन ही रखी है, कब भी मन करे तो टीन को उठा दो, है ना। बट फिलहाल हमें टीन के साथ ना घर को थोड़ा विंटेज लुक आता है, मतलब वो जैसे ग्रीनरी है, मतलब हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रीनरी हो, पॉजिटिविटी हो, है ना, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, तो हम ये सब चीज़ें हमें अच्छी लगती है। तो इसीलिए ये सब तो मतलब नहीं हटाएंगे, बट हाँ ऊपर का बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो में आप लोगों ने, मैंने आपको घर पूरा अच्छे से दिखाया, आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अभी मैं जाती हूँ सोने, फिर मैं मिलती हूँ आपसे सुबह उठ के। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। आज सुबह तो मौसम बहुत अच्छा है, 6:30 हो रहा है और मैं बहुत जल्दी आज उठ गई थी, क्योंकि मुझे ताकि सुबह सुबह उठ के ना अपना मैं व्लॉग भी स्टार्ट करूँ, और साथ में आज मौसम बहुत अच्छा है तो मुझे लगा कि जल्दी उठ के ना मैं आपको ऊपर का दिखा देती हूँ आज कितना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक कल मैं रात को शायद नहीं आई थी, कल मैंने आपको दिन में दिखाया था, क्योंकि हर दिन नया नया बहुत कुछ बनता रहता है। एंड अभी ना यहाँ पे ये सब हो चुका है, मैं पहुँच चुकी हूँ अपने हॉल में, और इधर है मोड़ी, इधर है हमारी किचन। रात को ना मैं, मम्मी और सिद्धार्थ हम सब ऊपर आए टॉर्च लेके, तो सिद्धार्थ बोल रहा है हाँ चलो किचन में चाय बनाते हैं। इधर जब हम किचन में कुकिंग करेंगे ना, ये उनका गिलास उन्होंने रखा है, बाद में लेके जाते हैं उसके नीचे। जब हम यहाँ से कुकिंग करेंगे तो हमें दिखेगा सामने सनराइज़, और ये यहाँ पे हम बैठ के अपना बाहर चाय पानी पी सकते हैं। और हाँ यहाँ से मैं देखो गिलास तो यहाँ से नहीं जाएगा, छोटा कप चाय का मैं यहाँ से ऐसे पकड़ा सकती हूँ, और यहाँ से हमें दिख जाएगा कि ऊपर कौन आ रहा है है ना। क्योंकि अब घर बनता तो यार जितनी जगह वेंटिलेशन हो, बाहर दिखने का हो, तो ज़्यादा खुला डुला घर लगता है, यहाँ से पूरे खेत सामने है ना, ठंडी हवा एकदम से आया करेगी। और मेरा तो अभी से यार ऊपर मन लगना शुरू हो गया है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके साथ मैं आने वाले वीडियोज में शेयर करूँगी घर से रिलेटेड ही। तो यहाँ से हम नीचे देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे से मम्मी की आवाज़ आ जाया करेगी, और लोग बोल रहे मम्मी नीचे, यार मम्मी कहीं मर्जी रहे, पूरे घर मम्मी के, नीचे घर मम्मी का है, ऊपर घर मम्मी का, सब कुछ मम्मी का ही तो है, तो मम्मी का जहाँ मन करे मम्मी वहाँ पर रहेंगे। और क्या कहते हैं, इधर ये हमारा किचन हो गया, और हाँ एक रूम दीपू लेगा वो वाला, तो ये वाला रूम मेरा और सिद्धार्थ का है। और कहते हैं कि मम्मी का रूम, यार मैं, सिद्धार्थ और मम्मी हम हमेशा साथ में तो रहने वाले हैं, तो मेरा मम्मी का, हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया था कि ये रूम मेरा है, ये रूम मेरा और मम्मी का है और सिद्धार्थ का है, और वो जो दूसरे वाला रूम है ये रूम दीपू के, इसमें कुछ चेंजेस करवाए हैं, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, बट सबसे पहले दिखा देती हूँ हमारा ये रूम है। एंड आई थिंक ये विंडो के कुछ इसी तरफ में हम अपना बेड लगाएंगे, या फिर उस तरफ नहीं, विंडो के साथ ही लगाएंगे, या फिर विंडो के साथ हम थोड़ा बैठने के लिए कुछ छोटा मोटा काउच वगैरह लगा लेंगे। सो ये हमारी है बालकनी, यहाँ से हम अपने कपड़े सुखाएंगे, यहाँ पर हमारी जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो वो रखेंगे, और मैं फ्रंट लोड वाली मशीन अच्छी लगती है मुझे, तो वही रखेंगे यहाँ पे। और इधर ही ना मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्ट्स लगा लूँ, बट हमारे गांव में यार प्रॉब्लम पता क्या होती है, पोर्ट्स तो मैं बहुत अच्छे अच्छे लगा लूँ लेकिन उसमें स्नेक वगैरह आने का बहुत डर लगता है, तो देखूँगी अगर पोर्ट्स नहीं हो सके तो कुछ और चीज़ें मतलब अच्छे से इसको मैं डेकोरेट कर लूँगी। एंड इधर से हम जाते हैं, ये है हमारा वॉशरूम, सो ये है वॉशरूम, और ये कल ना बारिश की वजह से उन्होंने पूरा ढका हुआ था। और ये हमारा रूम है, बहुत सुंदर लगता है ना, और इसके साथ मैं आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ। जब घर ऐसे दीवारें खड़ी होगी, दरवाजे वगैरह हो गए ना, तब वैसे रौनक सी लगती है, तब फीलिंग आती है कि यार घर बन गया है।
और इधर जाते हैं अभी हम दूसरे रूम में, इधर बाहर बाद में जाते हैं क्योंकि जैसे रूम जाना तो फिर आपको पीछे समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल बाहर का दिखाऊंगी। कल हम यार इस तरफ नहीं आए थे क्योंकि ना पूरे ये इन्होंने लगाए हुए हैं ना, तो इसलिए तो ये है दीपू का रूम, क्योंकि मैं मम्मी और सिद्धार्थ हम दो तीनों रहेंगे इस रूम में, ये दीपू का रूम है। इसमें मैंने क्या चेंजेस करा वो दिखाती हूँ आपको। पहले ना जो दीपू का रूम है ये, इसमें ये जो बाथरूम का दरवाज़ा ये इस तरफ था, ऐसे जैसे हमारा नीचे है तो ये दरवाज़ा इस तरफ था बाथरूम का, ये ओपन एरिया था जैसे कि वैनिटी वगैरह कुछ रख सके। तो मैंने दीपू का आइडिया दिया क्योंकि मैंने कहा ये ओपन एरिया होगा, ये वैनिटी होगी, तो अगर तुम्हें कुछ वार्डरोब बनवानी पड़ेगी दैन तुम्हें यहाँ पे बनवा, इस तरफ या फिर कहीं भी बनवानी पड़ेगी, है ना, सामान वगैरह रखने के लिए। तो मैंने उसको आइडिया दिया कि इस रूम को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बेडरूम अच्छा सा बन जाएगा, तो यहाँ पे फालतू जगह कम होगी, है ना। और एक बात बताती हूँ आपको, यहाँ पे भी वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, इतनी बड़ी खुलडुली विंडो है, यहाँ से भी बाहर आराम से देखो, है ना, मतलब सब तरफ से हवादार घर है। तो इसका दरवाज़ा कल ही देखो, ये दरवाज़ा कल ही चेंज हुआ है, तो इसका मैंने कहा वॉशरूम का दरवाज़ा इस तरफ रखते हैं, और ये जो साथ का एरिया ना ये वाला, यहाँ पे तुम अपनी अलमीरा रख सकते हो, है ना, मतलब अलमीरा बना सकते हो जो हमारी इनबिल्ट होगी, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना सारा स्पेस बच गया, नहीं तो ये एरिया सिर्फ एक छोटी सी वैनिटी और पूरा खाली होता तो इतना यूटिलाइज नहीं होता। तो हमने चाहते थे कि कोई भी ऐसी चीज़ करें जिससे बहुत ज़्यादा घर में मैस हो जाए, है ना, तो घर नीट एंड क्लीन भी रहेगा और यहाँ पे वैनिटी बना के और यहाँ पे अलमीरा बना के ये पूरा बंद हो जाएगा। सो ये एरिया पूरा क्लोज, ये वॉशरूम हो गया, इधर इनकी क्लोजेट होगी एंड यहाँ पे बेड वेड सब कुछ हो गया। और फिर जब यहाँ से कोई भी नीचे से आएगा देन दीपक बोलेंगे दरवाज़ा खोलो, दीदी भाग के जाएगा, हमें भाग के नहीं जाना होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब कोई भी आए ना घर पे, दरवाज़ा कौन खोलेगा। बट हाँ, सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे होगी ना कि कोई ऊपर आए। सो ये देखो, ये जो एरिया है ना बिल्कुल ये इतना खुला डुला, यहाँ से कि परे तक बिल्कुल खुला डुला है। सो दोनों रूम दिखा दिए, किचन दिखा दी मैंने आपको, अभी हम जहाँ से जाएंगे बाहर, और ये हाँ जैसे हमारा दरवाज़ा खुलेगा ना ये पूर्व की तरफ खुलेगा, सो यहाँ से सीधा सनसेट हमारे घर के इस तरफ, तो पूरी पॉजिटिविटी आएगी। और यार मुझे यहाँ से सनराइज़ पूरा दिखेगा, मुझे सनसेट पसंद है, तो सनसेट देखने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा, मेरे रूम से भी दिख जाएगा वहाँ से, एंड इधर से भी दिख जाएगा, दीपू के रूम से भी दिख जाएगा। बट सनसेट देखने के लिए मुझे आई थिंक किचन के बाहर जाना पड़ेगा अगर मुझे प्रॉपर सनसेट देखना हो। ओके जी, अभी हम जाते हैं यहाँ से बाहर, ये पड़े हैं हमारे पीलचे और ये है हमारे यहाँ से बाहर का, और यहाँ से यार अगर हम बंद करवा लेना पूरा ऊपर तक तो पूरा घुटनची हो जाएगी, तो मुझे और दीपू वाले तक हम बाद में फिर कभी देखेंगे ना, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये है पूरा बाहर का ओपन, और सामने सनराइज़ दिखेगा, और मौसम देखो आज कितना अच्छा हो रहा है ना। तो ये सारा ना इसे घर का क्या क्या बन रहा है ये मैं आपसे साथ साथ में इसलिए शेयर करती हूँ, सो दैट कल का हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज भी हो ना, और कल को हम देखें भी ना कि घर कहाँ से कहाँ तक बन गया है। और हम इधर आ रहे हैं, ये वाली ये क्या आ गया यार, ये बादर आ गया ना। सो ऐसे ऐसे करके है पूरा हमारा घर, किचन की विंडो बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ से सामने है रिवर व्यू, किचन से भी हमारा रिवर व्यू दिखेगा। सो जी अभी हम चलते हैं नीचे, मम्मी ने बना दी है रोटी और नीचे जाके हम चाय बनाते हैं। आपको घर कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा, एंड काफ़ी लोगों ने कहा कि प्रीति आपने बहुत अच्छे से घर दिखाया। यार मुझे ये है ना कि सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, सो फिर आपको भी देखने में मज़ा आए कि क्या क्या बन रहा है। फाइनली हमारा 2 BHK है, मैंने पहले बताया था, बट हाँ जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं मेरा, सो 2 BHK है, बट बहुत ही रौनक वाला, बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला घर बनने वाला है। एंड अभी हम जाते हैं नीचे सीढ़ियों का, यार सीढ़ियों को सोच रहे हैं, काफ़ी लोगों ने कहा था कि ना सीढ़ियों का ना थोड़ा खुला बना लो, सुधर सामान ले जाने में दिक्कत हो, बट सीढ़ियाँ खुली डुली तो है ही है, बाकी देखो कि हमें जो मिस्त्री है भैया वो क्या सजेस्ट करते हैं, और वॉशरूम के अंदर का जो डिज़ाइन है ना वो भी चूज़ करना है। सारी चीज़ें हम ऐसे ही करेंगे कि फालतू खिलारा ना पड़े, बिल्कुल एक टू द पॉइंट चीज़ें हों, जैसे बिल्कुल जो घर बनाए होते हैं ना सिटीज़ में तो वहाँ पर उन्होंने पूरा एकदम करेक्ट चीज़ें बनाई होती है, तो वो वैसा हो। तो मैं बनाती हूँ चाय, अभी सिद्धार्थ नहीं था,
अभी बना रही चाय, मैंने खाना वगैरह बना लिया। और ये सब्जी आई थिंक दीपू की है, तुरई की सब्जी, तो मैंने ऐसे रख दिया ताकि गर्म हो चुके है गर्म बर्नर पे। सो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, जब तक हमारे सिद्धार्थ उठेगा तब तक हम चाय पी के बिल्कुल फ्री हो चुके होंगे, फिर हम सिद्धार्थ के साथ खेलेंगे। और इसमें डाली हुई है मैंने अपनी ब्राउन शुगर, ख़त्म होने वाली है तो मैं दूसरा पैकेट भी इसमें डालूंगी। तो जब मैं मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ तो मम्मी को अगर लगेगा कि चीनी की क्रेविंग होगी तो थोड़ी सी ये वाले ब्राउन शुगर डाल देती हूँ, और अपने लिए मैं हमेशा ये वाली ही यूज़ करती हूँ। और चाय पीना मैंने कम कर दिया है, बट जब वर्कर्स के लिए बनती है ना तो फिर मैं अपने लिए थोड़ी सी ले लेती हूँ, 2-3 घूंट, बट ज़्यादा नहीं। बट जब मुझे अपने लिए स्पेशल चाय बनानी है तो फिर उसमें मैं ब्राउन शुगर डाल के बनाती हूँ। सो मैं इंजॉय करती हूँ अपनी चाय यहाँ बैठ के आराम से। आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ ना मम्मी, आज मुझे लग रहा है बहुत जल्दी उठ गई। बहुत गर्मी अंदर है बट बाहर बहुत अच्छा मौसम है, और अभी थोड़ी देर में हमारे वर्कर्स भी आने वाले होंगे, 8 बजे के करीब आ जाते हैं वो, तो फिर उनके पहले हाँ गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा, बट मम्मी को ज़्यादा गर्मी होती है, मम्मी को बीपी है, शुगर है। पर हाँ यार ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मम्मी है ना, एकदम तब पसीना इतनी स्वेटिंग हो जाती है ना। वैसे नॉर्मल गर्मी है ना वो तो बंदा फिर भी सहन कर लेता है ना, बट ये गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अजीब सी गर्मी है ये। मैं कट कर रही हूँ अभी एप्पल खाने के लिए, मैंने इस वाले डब्बे में कट करके रखूँगी सो दैट मैं आराम से खा सकूँ, क्योंकि हम एप्पल बहुत दिन से लेके आए और खाने का कभी हो ही नहीं पा रहा। बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, फिर मेरे को वैसे ही अजीब सा लगने लग गया, एंड मैंने सोचा कि अभी खाऊँ। और सिद्धार्थ में सुबह उठते ही ना 1 बनाना दे देती हूँ, साथ में थोड़ी सी मैं उसको ड्राई फ्रूट्स देती हूँ, तो वो सिर्फ मखाने खाता है, बाकी तो ज़्यादा वो कुछ खाता नहीं है। अगर 1-2 आलमंड उसको डिप की हुई ज़बरदस्ती खिला दे देन वो खाता है, अदरवाइज उसको फेवरेट है उसके मखाने। और बस अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करेंगे, बट सुबह सुबह का जो है सिद्धार्थ का ये होता है। और बस अभी दीपू जाएगा मम्मी को छोड़ने, और हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी आ चुके हैं। सो यार फ्रूट्स हो ना, जैसे फ्रूट्स हैं, खीरा हो गया, सैलड हो गया ना, तो ये सब चीज़ें खाने से आपका वेट कभी बढ़ता नहीं है। मतलब एप्पल फ्रूट्स में भी जैसे वो हो गया, आम हो गया, केला हो गया, मतलब बच्चों के लिए तो सारे अच्छे, बट हमारे लिए आम केला हो गया, अंगूर हो गया ना, ये सब खाने से हमारा वेट गेन होता है। पुराने बुजुर्ग ना बहुत अच्छी बात बोलते थे, हाँ जी क्रीम वो आई थिंक दीपवल रूम में है, कहते थे कि जान है तो जहान है, तो हम साथ में खाएंगे भिगे थोड़े से बादाम और एप्पल। तो ये बात वो पता क्यों कहते थे, क्योंकि ना देखो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो, हर एक लम्हे का भरपूर आनंद उठा सकते हो। बट अगर आपकी हेल्थ अच्छी ना तो आप बंदा अंदर से बहुत अजीब सा फील करता है, क्योंकि मेरी हेल्थ कुछ दिन पहले बहुत अजीब सी थी, एंड मुझे लग रहा था कि यार सारी चीज़ें मुझे इतनी बेकार लग रही थी, कुछ करने का मन नहीं करती, इवन मैं ब्लॉग भी नहीं अच्छे से अपना बना रही थी, मुझे लगा यार मेरी हेल्थ मेरे पल्ले नहीं रहेगी तो फिर मैं क्या करूँगी सब चीज़ों का। किसके डायपर है, कौन लगाता है डायपर, इसको हम क्या करेंगे अभी ओपन, कैसे ओपन करेंगे, बार बार देखो देखो ये देखो बड़ा, अब कोई टेंशन नहीं कि बार बार डायपर ओपन तो भर 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 खत्म होते थे। किसका बटन, बटन नहीं बटन, इसको ऐसे यहाँ पे टेप लगी हुई है ना यहाँ से। ये है डायपर्स का रेट 2748 रुपीज। अरे वाह ये है इसमें 44 के पैक्स है, इसमें नहीं बैठते बेटा। तो ये है सिद्धार्थ के डायपर्स, ये ना जब ये सिद्धार्थ न्यू बॉर्न था 1-2 महीने का, तब मैं ऐसे बड़े बड़े पैकेजिंग, तब तो बहुत ज़्यादा डायपर्स लगते थे, अब तो इतने लगते नहीं है। सो ये डायपर्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, मैं इसे बता रही हूँ, काफ़ी लोगों ने बोलते हैं प्रीति आप हमें बताना, तो अगर आप फर्स्ट क्राइज से ऑर्डर करते हो तो आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाता है। मैं तो जब से सिद्धार्थ हूँ तब से मैं फर्स्ट क्राइज से मंगवाती हूँ, और ये डायपर्स का एक फ़ायदा है कि यहाँ पर एक वो दिया हुआ है, लाइन दी हुई है, तो इंडिकेटर है ये, जब आपके बच्चे का डायपर फुल हो जाता है तो ये ना बिल्कुल ब्लू हो जाती है, एंड फिर डायपर जब चेंज करते साइड से काट के
इसको खोल के आप डायपर पूरा फोल्ड करके फिर डस्टबिन में डाल सकते हो। तो ये मुझे काफी सही लगा और यार इतना सॉफ्ट है ना, बच्चों की स्किन पे इतना अच्छा रहता है। गाइस आज बनाई है चाय दीपू ने, आज हम दीपू के हाथों की चाय पियेंगे, थोड़ी चाची ने थोड़ी दीपू ने, दोनों चाय मिक्स हो गई है। तो ये पी रहे हैं हम 10 बजे वाली चाय। और सिद्धार्थ तो बोलते मेरे को चेयर करना है, क्या चेयर करना है आपको? ए वाओ, चेयर करना बोल रहा है। ये सारा हम डाल देंगे कबाड़ में क्योंकि साथ साथ में सफाई कर। तो मैंने ये रख दिया खिचड़ी बनने के लिए क्योंकि दीपू की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं खिचड़ी बना दे। बहुत दिनों के बाद हमारे घर में आई है ये ऑरेंज वाली कांच जिसका चिल्ला बहुत अच्छा बनता है। तो काफ़ी दिनों से चिल्ला अच्छा नहीं बनना था, ये लेके आए हैं मम्मी आलू, आई थिंक 2 से 3 किलो होंगे, और ये लेके आए हैं मम्मी। Always sorry.